अब जरा ध्यान दीजिए इस पे, बाद में आएंगे, पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे आ जाइए दोबारा से। हाँ, यहाँ पर आ जाओ, डेफिनेशन बात में आएंगे। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको ये बताया था कि ये हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये हैं प्रोटॉन्स और ये हैं आपके न्यूट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने आपको ये बताया था कि जो एटम का मास होता है वो पूरा का पूरा किस में होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन्स का मास होता है बट नेग्लिजिबल होता है, बिल्कुल ना के बराबर। उसका मास आप काउंट करो या ना करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सो बेसिकली इससे मेरे क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर पूरा का पूरा मास किसके अंदर है? न्यूक्लियस के अंदर, तो इसके मैं प्रोटॉन्स काउंट कर लूं और न्यूट्रॉन्स काउंट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? इसका एटॉमिक मास मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो इसका मतलब यह है कि एटॉमिक मास या मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नहीं आएगा ये, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, गलत हो गया ये, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होगा। हाँ पढ़ाया था, दोबारा से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ क्या होगा बेटा? न्यूट्रॉन्स। स्पेलिंग सही है? हाँ जी। तो इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों को ऐड कर दो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को ऐड करोगे आपको एटॉमिक मास या फिर मास नंबर मिल जाएगा। जैसे इसकी बात करें, इसका मास नंबर कितना होगा? इसका मास नंबर या एटॉमिक मास कितना होगा जरा देखिए, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 3, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 4, तो इसका एटॉमिक मास कितना होगा? 7। क्या बात समझ में आ रही है? तो किसी भी एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं और जितने न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन दोनों का जो सम होता है, जो प्लस करके आता है, वही उसका क्या होता है? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा, इसी चीज को मैं थोड़ा सा एक और तरीके से लिखकर समझाना चाहता हूं कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। कब? जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। तो या फिर आप यहां पर क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स बट लिखना मत, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह आप लिखिए एटॉमिक नंबर। क्या लिखिए? एटॉमिक नंबर। क्यों? क्योंकि बेटा अभी हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बात समझ में आ रही है? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, मान लीजिए क्या मैं सोडियम की अगर बात करूं, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 और इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। व्हाट डज इट मीन? अगर एटॉमिक मास है इसका या मास नंबर है 23, अगर मैं प्रोटॉन्स की बात करूं, प्रोटॉन्स की, तो भाई जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। वो आपसे ये कहेंगे भाई ये बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। मास नंबर कितना है भाई? 23। एटॉमिक नंबर कितना है, या फिर देखो एटॉमिक नंबर दे दें या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे दें, बात एक ही है, ठीक है। इधर ध्यान दो, उधर नहीं इधर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं या नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है भाई? एटॉमिक नंबर बोलते हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बात एक ही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है। तो यहां पर प्रोटॉन्स है 11, तो हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो ये प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा भाई? माइनस। आंसर कितना आ जाएगा? 12। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऐसे निकालते हैं। क्या बात समझ में आ रही है आपको? इन थ्री जो आपको टर्म्स नजर आ रही हैं, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन थ्री में से कोई भी आपको दो गिवन होंगे, या तो वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दे देंगे और बोलेंगे भाई मास नंबर बताओ, तो आप बताओगे, या फिर वो आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर दे देंगे और साथ में दे देंगे आपको मास नंबर, और वो आपसे ये कहेंगे ये बताओ इसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। बेटा एक बात, हाँ जी इधर,
इसके अंदर प्रोटॉन्स, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11। मैंने आपको क्या बताया था, मोस्टली एटम्स का एटॉमिक मास क्या होता है, जितना भी उसका एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल, यही बताया था। तो उसके अकॉर्डिंग इसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए था, 22 होना चाहिए था। लेकिन 23 क्यों है, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन्स तो कितने हैं, रेड वाले 11 और ब्लू वाले न्यूट्रॉन्स कितने हैं 12, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा हैं, इसीलिए इसका एटॉमिक मास क्या आ रहा है 23 इंस्टेड ऑफ 22। क्या बात समझ में आ रही है, इस तरीके से बेटा एटॉमिक नंबर जो है वो कम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक केस है क्लोरीन वाला, उसका एटॉमिक मास होता है 35.5, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो बाद में बताया जाएगा कि वो डेसिमल में कैसे आ गया। ठीक है, अदरवाइज आप इस तरीके से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। क्या बात समझ में आ रही है, तो इसका जो मास है अरे भाई ये क्या हो गया, चलो थोड़ा छोटा कर, इसका जो मास है, इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स हो या ना हो मास पे फर्क जो है वो ना के बराबर ही पड़ेगा। पूरा का पूरा मास किसके अंदर है, इस न्यूक्लियस के अंदर, बीच में जो सेंटर है उसके अंदर पूरा का पूरा मास है। समझ में आ रही बात यानी, हाँ जी। अब आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है शायद, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपको नेक्स्ट चैप्टर में बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा, जो कि है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, क्योंकि टॉपिक चल रहा है और टॉपिक आ गया तो बता देता हूँ मैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके अंदर 3 शेल्स बनाई जाती हैं, बीच में होता है न्यूक्लियस जिसके अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, वो अंडरस्टूड है। हमें कैसे बनानी है न्यूक्लियस, सर्कल बनाकर बीच में प्लस बना देना है। प्लस क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, मैं पीछे जाके जरा दिखाता हूं, इधर आ जाओ, इधर देखो जरा, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कैसे चार्ज हैं, नेगेटिवली चार्ज हैं। प्रोटॉन्स कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिवली चार्ज है। न्यूट्रॉन्स कैसे चार्ज हैं, नो चार्ज, न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि न्यूक्लियस कैसा चार्ज हुआ, पॉजिटिवली चार्ज हुआ, क्योंकि न्यूक्लियस का तो कोई चार्ज है ही नहीं, तो बचा कौन सा चार्ज, सिर्फ प्रोटॉन्स विच इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं। न्यूक्लियस के ऊपर कैसा चार्ज होता है, बच्चे कहाँ फंसते हैं, न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस तो सर ने न्यूट्रल बताया था, अरे भाई वो न्यूट्रॉन बताया था, न्यूक्लियस नहीं बताया था। 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, क्या बात समझ पा रहे हो, क्या है वहाँ पे वो स्पेलिंग के साथ आपके साथ खेल रहे हैं, आपको लगता है न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूक्लियस पूछ रहे हो आपसे, तो स्पेलिंग ध्यान से पढ़ेंगे, अभी वो आपसे न्यूक्लियस बोल रहे हैं या फिर न्यूट्रॉन्स बोल रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट,